हेलो, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा नुस्खा बताने वाली हूँ और उस नुस्खा को आप देखकर हैरान रह जाओगे। तो सच में दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे मतलब बहुत ज़्यादातर लोग हैं ना, वो परेशान हैं इस बीमारी से। तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो आज मेरी इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और पूरी वीडियो देखिए कि मैं कैसे इस नुस्खा को तैयार करती हूँ। अगर आप पूरी वीडियो को देखोगे तभी आपको पता लगेगा कि मतलब इतनी अच्छी दवाई बताई है मैंने, तो शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो अब मैं चलती हूँ आपको बताने के लिए। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिससे हमारे शरीर में, जैसे हाथों में, पैरों में हमें एलर्जी हो जाती है, जिससे हम बहुत खुजली करते हैं और हम पूरे हाथों को खुजा खुजा के इतना बुरा हाल मचा लेते हैं। पैरों पे भी हो जाती है हमें, हाथों पे हो जाती है, और किसी किसी के तो इतनी ज़्यादा बुरी तरह हो जाती है कि उनके हाथों से खून भी टपकने लगता है और वो बेचारे बिल्कुल परेशान रहते हैं। न वो रात को सो सकते हैं और न वो दिन में सो सकते हैं, पूरे दिन बस अपने हाथ पैरों को खुजाते रहते हैं और वो इस बीमारी से बहुत ही परेशान है। और ये बीमारी बहुत लोगों के मतलब हो जाती है, पता नहीं क्यों हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, आज मैं इसी बीमारी से छुटकारा आपको दिलाऊंगी और मैं एक इतना अच्छा नुस्खा बनाऊंगी जो बिल्कुल न तो महंगा है, बिल्कुल सस्ता है, बिल्कुल ही आपके घर में मिल जाएंगी सारी चीज़ें। उसी का मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हमें इस दवाई को तैयार करनी है। तो देखिए दोस्तों, इस दवाई को हमें बनाने के लिए सबसे पहले किन-किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं बताती हूँ। तो इसके लिए हमें एक ये जो मोमबत्ती है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक मोमबत्ती का हमने छोटा सा टुकड़ा ले लिया है, देखो। उसके बाद हमें हल्दी की ज़रूरत पड़ेगी, और हल्दी जो होती है वो मतलब कि हमें अपने घर में पिसी हुई हल्दी होनी चाहिए, जो गाँट की आती है ना, वो उनको हमें पीस लेना चाहिए। मार्केट में जो उसमें आती है पोलोथीन में, उसको यूज में नहीं लेना है। ये जो हम घर पर पिसी हुई हल्दी है, देखो, मैं इसी को यूज में ले रही हूँ। उसके बाद मैंने ये सरसों का ऑयल लिया है, तो 2-3 चम्मच मैंने सरसों की ये ऑयल ले ली है। आप अभी फिलहाल मैं आपको है ना थोड़ी बना के दिखाऊंगी, आप जैसे आप जिस हिसाब से बनाना चाहो आप बना लेना, कोई नहीं है तो घर में ही सारी चीज़ रखी होती है, फिनिश हो जाएंगी, हम फिर दोबारा से बना लेंगे। तो मैं आज आपको इन्हीं तीनों चीज़ों से ये बहुत अच्छा नुस्खा बताने वाली हूँ। तो देखो, सबसे पहले हम ये जो ऑयल लिया है इसको हम गैस पे रख के गरम कर लेंगे। तो चलिए हम गैस पे इसको रख के गरम कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसे बनाएंगे। तो देखो, अब मैं गैस को चला देती हूँ और इसके ऊपर अब मैं ये तेल रख देती हूँ। अभी जब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर मैंने इसमें जो ये टुकड़े कर लिए थे मोमबत्ती के, वो इसके अंदर डाल दूंगी। तो मेरी वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, मैं कैसे बनाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, तेल हमारा गर्म हो चुका है और ऊपर से बिल्कुल भाप उठने लग गई है। अब इसके अंदर मैं ये डाल दूंगी जो मैंने तोड़ के रखी थी। अब इनको हम धीरे धीरे इनको पिघला लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा तेल बिल्कुल ऐसे अच्छे से, ये देखो, पिघल चुकी है इसके अंदर से। अब थोड़ी देर के लिए इसको हम 4-5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रख देंगे और गरम गरम तेल के अंदर ही हम इसके अंदर एक चुटकी हल्दी, देखो बिल्कुल हमें एक ही चुटकी हल्दी डालना है, लेकिन बस। तो दोस्तों देखो, आप खुद ही देख लो कितना गाढ़ा हो गया। इसको मैंने 6-7 मिनट के लिए रख दिया था और ये देखो कितनी अच्छे से गाढ़ी हो गया। और जहाँ जहाँ पे आपकी एलर्जी है वहाँ पे आप इसको लगा लीजिए। तो जैसे किसी के यहाँ से अंगुलियों पे है तो इसको हाथ से लेके और आप इसको ऐसे अच्छे से लगा लो, और रात को लगा के सो जाओ इसको, तो सबसे अच्छा है। ऐसे सब जगह आप लगा लेना, और आपकी जो ये एड़ियाँ फटी हुई होती है यहाँ भी आप इसको लगा लो। कहीं और जैसे हमारा कट जाता है, हाथ वगैरह कट जाता है, किसी चीज़ की चोट लग जाती है हमें, तो भी हम इसको लगा देते हैं, क्योंकि इसके अंदर हल्दी डालते हैं मोम में। तो हल्दी में तो आपको पता है कितनी एंटीबायोटिक है, हल्दी तो एक बहुत ही अच्छी है चीज़ है, तो इसलिए है ना बहुत जल्दी हमारा घाव भर देती है, इसलिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो
एक बार आप इसको जरूर ट्राई करके देखना और बना के देखना कि ये कैसे बनती है। एक बार ट्राई जरूर करना। किसी भी भाई और बहनों के एलर्जी हो तो इससे तुरंत छुटकारा पाएगा। आपको इसको लगातार लगाते रहना है सुबह शाम, और फिर देखना इसका रिजल्ट कैसा रहता है। आपको 7 डेज में ही आपको दिखने लग जाएगा इसका रिजल्ट। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको मेरी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और साइड में बेल का बटन है उसको ज़रूर दबा के जाना। तो मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।